हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम लोग हैं चंबा की ऊंची पहाड़ी पे, जहां बोलते हैं जोत। तो यहां पे गाइस पूरी रात इतनी बारिश हुई है कि बर्फ भी पड़ चुकी है। तो हमारा जो प्लान था वो ट्रैकिंग करने का था, यहां से ऊपर को जाने का। वहां पे जो है, कहा जाता है कि गदर मूवी है वहां की शूटिंग, वहां पे शूटिंग हुई है। अगर हम जाएंगे तो वीडियो आपको जरूर बताएंगे, तो अगर नहीं जा पाए तो फिर सॉरी। तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद क्या होता है। तो अभी गाइस हम चाय बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सामान है, तो स्टोव पे सिलेंडर है और कुकर वगैरह है। तो देखते हैं क्या बनता है। दो चार मैगी है, या मैगी बनाएंगे या फिर हम चाय बनाएंगे। तो देखते हैं, बताते हैं आपको वीडियो में क्या बनता है। तो गाइस देखिए, अब हमारे कुकर में बन रही है मैगी। मैगी बनाने वाले जो है वो है दी एंड मेरा पति देव, और ये रहा मेरा जीजू। हाय बोल दो। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी तो मैगी बन रही है, चाय शायद थोड़ी देर के बाद में बात बनेगी। तो गाइस यहाँ हम आज रूम में ही बना रहे हैं मैगी, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, बर्फ पड़ने वाली है, पड़ रही है बर्फ थोड़ी थोड़ी, और ये पानी हमारा उबलने लग चुका है। तो मैगी बनाएंगे यही रूम में ही, और यही रूम में ही हम लोग चाय भी बनाएंगे। तो यहीं पर आज करते हैं एंजॉय, बाकी देखते हैं फिर घर कब जाएंगे। ये हमारी चाय बन चुकी है और ये हमारी मैगी और अंडे कुकर में, और ये अंडे जीजू ने लाए अभी अभी दुकान से, पर ये हमें बॉइल करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें पानी ले आती हूँ, दो वाला दो प्लेट और। तो गाइस ये हमारा रात को कुछ रूम था इस तरह का, ये देखिए। तो कैमरा में तो काफी अच्छा लग रहा होगा, पीछे वुडन है और ये बेड भी थोड़ा वुडन टाइप है, और अभी बिस्तर भी काफी अच्छा सा लग रहा है कि मतलब बढ़िया बेडशीट है, और ये पिल्लो वगैरह। लेकिन गाइज इतने गंदे हैं ये पिल्लो, अगर अंदर से मैं इनके कवर खोल के दिखाऊंगा आपको, बहुत ही ज्यादा गंदे, मतलब व्हाइट कलर के पिल्लो थे और अंदर से बिल्कुल ब्लैक हो चुके थे। और ये देखिए यहाँ पर ये बेडशीट रखी है एक, और इसकी हालत भी इतनी गंदी है, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी। तो यहाँ पर पता नहीं हजारों आदमी सोए होंगे। तो फिर हमने रात को रिक्वेस्ट किया कि इसको चेंज करो, बेडशीट को भी, और ये पिल्लो को भी कवर लगाए हैं ऊपर से। तो मतलब बड़ी मुश्किल से रात को सोए हैं यहाँ पर। बाकी रूम की हालत देखिए, बहुत ही गंदी है। और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जोत में एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है नहीं। ये है हिल टॉप रेस्टोरेंट होटल, कुछ ऐसा है जोत में। तो सामने जो बिल्डिंग वगैरह बन रही है वो रेडी नहीं है, वहाँ पर ढाबे वगैरह है खाना खाने के लिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो जोत में ना ही रुके तो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर अपने टेंट वगैरह हो तो टेंट वगैरह लगाएं, वो भी बढ़िया मौसम में। नहीं तो ये देखिए बाहर थोड़ा सा बर्फ़ वगैरह पड़ गया है और बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और अभी तो फॉग ही फॉग हो गया है। तो रुकने लायक जगह तो नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए पूरी गाड़ी हमारी बर्फ से ढक चुकी है। प्यारा डॉगी आजा। तो गाइस ये देखिए जोत में पूरी धुंध पड़ी हुई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ से रोड भी बना हुआ है, गाड़ी वगैरह भी जा सकती है और बाइक वगैरह, छोटी गाड़ियाँ। तो देखेंगे आगे जहाँ पर गद्दर मूवी की शूटिंग हुई है उस पॉइंट तक जाएंगे, और जो नेचर पार्क है वो तो काफ़ी आगे है, वहाँ तक तो हम शायद नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि ठंड है, और अभी अभी देखिए ये बर्फ़ पड़ी है, और यहाँ पर तो काफ़ी टिक गई है इस साइड पर, लेकिन दूसरी साइड नहीं है इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ये क्या हुआ? वाओ, एकदम धुंध गायब हुई। वाओ, ये देखिए एकदम नजारे। वाओ, तो देखिए गाइस यहाँ अगर बारिश और बर्फ में खड़े होने के लिए ऐसे ऐसे बने हुए हैं बहुत सारे, और ये रोड जा रही है, और ये है रोड, और वो देखिए वहां पर, वहां हुई है गद्दर मूवी की शूटिंग, जब वो औरत उससे उसके गहने वगैरह मांगती है, वो लोग भाग रहे होते हैं पाकिस्तान से इंडिया की तरफ। तो ये जो एरिया है इसे पाकिस्तान दिखाया हुआ है उसमें, तो अभी हमें पाकिस्तान में तो आज हमने पाकिस्तान देख लिया भाई। क्यों भाई, ठंड जो है ना वो एकदम पावरफुल वाली है, पावरफुल वाली, मज़ा आ रहा है।
खतरनाक वाला, तो वहां पर है दो हट, तो ये गद्दियों के हट है और एक ये भी है इधर। तो ये देखिए, ये है वो मैदान जहां पर जो मूवी में दर्शाया गया है, गद्दर मूवी में छोटे छोटे पॉइंट आते हैं लास्ट में, लास्ट हाफ में, जो कि यहां पर इस साइड से शायद वो पोज है। ये जो ग्राउंड है ये वहां नीचे से लिया होगा और इस तरफ से, तो यहां पर वो ठहरी होती है औरत और वो बोलती है कि मैं आप लोगों को बचाऊंगी पाकिस्तान से, और नीचे से जो है आर्मी की गाड़ियां जा रही होती है। उस वक्त वो आर्मी की गाड़ियां चली होती है जो माइक में बोलती हुई, वो इस रोड से आती है नीचे से ऐसे, और उस टाइम रोड भी दिखता है बहुत ही ख़राब वाला। और यहाँ पर वो खड़ी होती है हीरोइन और उसका बच्चा, और ये है वो जगह जहाँ पर वो शूटिंग की गई है। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देख के असली में। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आपको? बहुत गुड बहुत गुड। ये आर्मी वाले बंदे हैं हमारे गद्दर मूवी के फैन, कल से बार बार वही मूवी देख रहे हैं कि कौन सी वो जगह है और कौन सा वो सीन है मूवी के अंदर। वैसे हाँ, ये है यहाँ पर गेट, ये गेट जो है बंद है अभी आजकल क्योंकि कोई भी टूरिस्ट वगैरह नहीं होंगे शायद। तो साइड से रास्ता है छोटा सा, यहाँ से हम आए हैं और अभी जो है थोड़ा सा मौसम खुला है, लेकिन सामने की देखिए पहाड़ियाँ, बर्फ की पहाड़ियाँ दिख रही है बहुत ही बढ़िया बढ़िया। ये देखिए असली की तरह लग रहा है, रात को दिखेगा ना तो बंदे तो डर जाएंगे भाई। तो ये जंगल की आग बुझाते बुझाते इन्होंने अपनी जान दे दी, और कुछ लोग हैं जो कि जंगल को आग लगाते हैं और कचरा वगैरह फैलाते हैं जंगलों में। तो सोचिए कुछ लोग इन हमारे इन नेचर के लिए अपनी जान दे सकते हैं और कुछ लोग जो है गंदगी फैलाते हैं उसमें, तो बहुत ही बुरी चीज़ है ये। ये रहा सामने पार्क जो कि बच्चों वगैरह के लिए खेलने के लिए बना हुआ है। सो गाइस देखिए यहाँ पे जो बच्चों के लिए बनाया गया है खेलने के लिए, तो यहाँ पे आप आइए अपने बच्चे को भी लाइए और अपने बच्चों का एंजॉय भी करवाइए और कुछ भी कीजिए। और ये देखिए इन्हें मिल चुकी है बर्फ, और ये हमारे पे अटैक करते हुए, और मेरा फौजी जीजू ओ माय गॉड। ये देखिए क्या कर रही तू, ये देखिए मजा आया? मेरे तो हाथ सुन हो गए, ये देखिए कितने लाल हो गए हाथ। सच्ची और नजारे। तो गाइस ये बच्चों के झूलों में झूल रहे हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए बनाए गए हैं यहाँ पर। वाह वो देखिए गाइस, ये जो हिमालयाज है ये पूरे के पूरे ताजी बर्फ पड़ी है। इनमें बर्फ नहीं थी दो तीन दिन पहले, लेकिन अभी जो स्नोफॉल हुआ है उसी की वजह से ये पूरी की पूरी बर्फ पड़ी हुई है। और वहाँ भी सारे के सारे इन फॉरेस्ट एरिया में उन पहाड़ों में बर्फ पड़ चुकी है, और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे। और ये देखिए प्लास्टिक सक्स डोंट ट्रैश, तो साफ सुथरी जगह है, कृपया कचरा ना फैलाएं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग जा रहे हैं अब नीचे की तरफ, उस भालू के साथ फोटो लेंगे। बाकी ये हमारी गैंग चलती हुई है, दांत खराब हो जाता है।
लटक रहा ये। तो बहुत ही प्यारी प्यारी वादियां हैं यहाँ पर, और ये मेरे को मारने में तुली हुई है कुकु। कुकु देखिए इस लड़की को, वो बस फट गए कपड़े। तो इन वादियों से जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये पेड़ जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नीचे। नीचे हमने रूम से चेकआउट कर लिया है और सामान जो हमने गाड़ी में रख दिया है जोत में, जहाँ पर रोड है। तो गाइस धूप लग रही है थोड़ी थोड़ी और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और ये देखिए भेड़ बकरियाँ, ब्यूटीफुल नज़ारे, अल्टीमेट नज़ारे। ये इन बकरियों के पीछे पड़ गई है। ये देखिए ये है यहाँ पर होटल और ढाबे। ये वाला जो ढाबा है, ये वाला, ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर खाना जो है बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इसके साथ में ये है होटल जोत, होटल हिल टॉप जोत। तो ये बहुत ही बेकार है, यहाँ पर ना खाना खाएं और ना ही रुकें। हो सके तो यहाँ से आगे निकल जाएं, अगर जब ज़्यादा मजबूरी है तो रुक सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ है नहीं। ऊपर भी है वो चालू नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। बाकी तो सब बढ़िया है, नज़ारे तो बहुत बढ़िया है। और उस तरफ भी फॉरेस्ट एरिया बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर लेंगे हम बर्फ़ी, लोकल खोए की ताज़ा शुद्ध बर्फ़ी। तो सब लेनी। तो गाइस ये निकल चुके हैं हम लोग जोत से, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया नज़ारों के साथ।